हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास टेंथ का जो सीरीज हम लोग का चल रहा था एपी का, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और हम लोग 5.3 एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई थिंक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक 5.3 का देख लिए होंगे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और हमको उम्मीद है कि आप लोग अपना होमवर्क ईमानदारी पूर्वक से कर रहे होंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3 में माय डियर स्टूडेंट सीख क्या रहे थे, एसएन का यूज क्या, एसएन का यूज क्या सीख रहे थे। एसएन का यूज, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, NY2 इंटू 2M प्लस N-1 इंटू D क्या होता है। एसएन इज इक्वल टू NY2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। और एसएन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे स्टूडेंट, NY2 इंटू A प्लस AN क्या, A प्लस AN, AN को ही क्या लिखते हैं, L भी लिखते हैं और क्या लिखते हैं, PN भी लिखते हैं। मीन्स वेयर AN इज इक्वल टू क्या, N क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। यहाँ पे SN, SN मेरा क्या होता है, जितना भी सीरीज में मेरा टर्म्स दिया रहता है सबका क्या होता है, सम होता है, क्या होता है, सम होता है। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। L क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। TN क्या होता है, TN मेरा डियर स्टूडेंट क्या होता है, TN इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या, लास्ट टर्म जिसको हम क्या किस से डिनोट करते हैं, एल से। तो इसमें हम क्या करने वाले, इसी का यूज करने वाले, क्या करने वाले, इसी का यूज करने वाले। तो माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दे रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑन एपी 17 एंड 350। माय डियर स्टूडेंट, हम स्टार्टिंग में बोले थे जब भी हम कोई क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डील करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो गिवन डाटा रहता है उसको हम क्या करते हैं, सही से लिखते हैं। तो गिवन डाटा मेरा क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म दे रहा है। मीन्स क्या, फर्स्ट टर्म आपका ए दे रहा है, 17 दे रहा है। एंड क्या, लास्ट टर्म दे रहा है, क्या दे रहा है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को एन से डिनोट कर लेंगे या फिर एल से डिनोट कर लेंगे, क्या दे रहा है, 350 दे रहा है, क्या दे रहा है, 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और मेरा डियर स्टूडेंट क्या दे रहा है, कॉमन डिफरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 9 दे रहा है, 9 दे रहा है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बोल रहा है कितना टर्म्स उसमें, क्या बोल रहा है, कितना टर्म्स है। मींस क्या पूछ रहा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा, क्या पूछ रहा है मेरे स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म्स। मींस क्या, एन इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज देयर सम, क्या बोल रहा है, व्हाट इज देयर सम। मींस क्या, एसएन बोल रहा है, मींस क्या, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसका क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको ए दे रहा है, डी दे रहा है, एन दे रहा है। तो एन से क्या, एन हमको निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है। मींस क्या, एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन इक्वल टू क्या दे रहा है, 350। एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या दे रहा है, 350 दे रहा है। उसके बाद ए का वैल्यू क्या दे रहा है, 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू मेरा डैश कितना दे रहा है, 9 इक्वल टू क्या, 350। यहाँ से सोल्व करते हैं, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या, 350 माइनस 17, 350 माइनस 17, 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 333 क्या, 333। अब इसको काटते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, टोटल नंबर का सम। तो 3 प्लस 3 6, 3 6 प्लस 3 क्या है, 9। मीन जो नंबर दे रहा है 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 9 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा, कितना, 23 हाथ में कितना रहने वाला है मेरे डियर स्टूडेंट, 6 रहने वाला है। 7 बार में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या, एन माइनस वन इक्वल टू आ रहा है, 37 आ रहा है। तो एन इक्वल टू मेरे स्टूडेंट क्या होने वाला, 38 होगा। इधर देख रहे हैं माइनस में, इधर आके क्या होने वाला, प्लस में। तो एन इक्वल टू 38, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 38 आ गया, कितना आ गया, 38। अब एसएन, अब एसएन का फॉर्मूला हम कहां से अप्लाई करने वाले, लास्ट टर्म मेरा दे रहा है, एन का वैल्यू दे रहा है। तो क्या हम एसएन इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, NY2 इंटू ए प्लस एन इक्वल टू क्या, एन, एन का वैल्यू 38Y2 इंटू ए का वैल्यू आपका 17 दे रहा है, प्लस एन, एन इक्वल टू क्या दे रहा है, 350। अब इसको सोल्व करने के बाद हम लोग क्या करने वाले, एसएन का वैल्यू निकालने वाले।
आई थिंक आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजी पूर्वक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, सेवन। क्या सेवन? तो क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपका क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन में आपका दे रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्या? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स कितना का सम निकालना है, 22 मीन्स क्या एस 22 निकालना है। क्या निकालना है? एस 22 इज इक्वल टू व्हाट? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है ऑफ एन एपी। एक एपी आपका गिवन है, उसमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ 22 टर्म्स का सम निकालना। इन विच डी इज इक्वल टू आपका गिवन है, क्या दे रहा है, डी इज इक्वल टू 7 दे रहा है। क्या दे रहा है? डी इज इक्वल टू 7 दे रहा है। एंड 22nd टर्म्स इज 149। एंड क्या दे रहा है? ए 22 आपका क्या दे रहा है, 149। उसके बाद पूछ रहा है एस 22 आपका पूछ रहा है, मीन्स लास्ट टर्म तो मेरा दे ही रहा है, एस 22 ही मेरा क्या होने वाला, लास्ट टर्म होने वाला, तो इसको तो हम लास्ट टर्म बोलेंगे। तो यहाँ से क्या, अगर एस एन का फॉर्मूला, अगर जो लास्ट टर्म से हम फॉर्मूला लगाते हैं एस 22 का, तो क्या एन वाई टू मीन्स क्या एन वाई टू इंटू ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस क्या लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन्स क्या 22 टर्म्स, क्या लास्ट टर्म क्या 22 टर्म। तो 22 टर्म्स तो हमको दे ही रहा, मींस क्या हमको निकालना क्या हमारे स्टूडेंट ए, अगर ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन इजी से क्या होगा बन जाएगा। मींस क्या, अब इसका यूज करते हैं 22, तो क्या होगा ए प्लस इससे एक कम, इससे कम क्या होगा 21d। क्या 21d इज इक्वल टू क्या 149। अब यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस 21 मल्टीपल d इक्वल टू 7 इक्वल टू 149। d इक्वल टू क्या 149, प्लस में इधर आकर के माइनस में 147 क्या रहा, 774 कितना रहा 147। अब इसको माइनस करते हैं कितना रहा, मैं रेस्टोरेंट 2 आ रहा, क्या रहा 2 आ रहा, 2 ही ना आ रहा, हाँ 2 आ रहा। अब इसका सम निकालते हैं, तो सम मेरा क्या होने वाला, तो सम निकालते हैं क्या, ही तो 11 आने वाला, उसके बाद क्या 2 प्लस इसका आपका दे रहा 149 ही दे रहा, क्या दे रहा 149। तो क्या इजी पूर्वक हम इसको निकाल लें क्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन नंबर 8? तो आपका क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा स्टूडेंट क्या दे रहा है आपका, दे रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मीन्स क्या एस 51 निकालना। क्या निकालना? एस 51 निकालना। उसमें आपका गिवन क्या है, गिवन दे रहा है सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपका दे रहा है, सेकेंड टर्म दे रहा, क्या दे रहा है, सेकेंड टर्म आपका 14 दे रहा और थर्ड टर्म आपका क्या दे रहा है 18 दे रहा, क्या दे रहा है 18 दे रहा। एस 51 निकालना, क्या निकालना एस 51, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है एन वाई टू, क्या एन वाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमको ए फाइंड आउट करना और क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना। क्या करना? डी फाइंड आउट करना, मीन्स क्या ए भी फाइंड आउट करना और क्या करना है, डी भी फाइंड आउट करना। मीन्स क्या ऐसे इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट होता है क्या एन वाई टू इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर क्या होता है एन वाई टू इंटू ए प्लस एन होता है, क्या होता है ए प्लस एन होता। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मेरा गिवन है और क्या हमको फाइंड आउट करना है। मीन्स क्या हमको ए को फाइंड आउट करना और क्या करना है डी को फाइंड आउट करना। तो मेरे पास दोस्तों अगर हमको डी को फाइंड आउट करना है तो डी फाइंड आउट हम कहाँ से करते हैं, टू कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस, मीन्स क्या थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस करेंगे तो डी आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। ए थ्री माइनस ए टू कर लेते हैं, मीन्स क्या 18 माइनस 14 करेंगे तो डी मेरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मेरे पास तो डी तो इजी पे हम क्या किया 4 फाइंड आउट कर लें। अब क्या, अब हमको क्या फाइंड आउट करना, ए ए कहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं मेरे पास। तो अगर ए टू का वैल्यू आपको 14 दे रहा है, ए टू मीन्स क्या ए प्लस डी इक्वल टू 14, तो ए इक्वल टू क्या आएगा 14 माइनस डी का वैल्यू क्या रहा है 4 आ रहा है, मीन्स ए इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये भी हमको पता होगा, डी भी पता होगा क्या, हाँ यहाँ पे फुट आउट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 51 बाय 2 इंटू 2 ए का वैल्यू आपका 10 दे रहा है प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू 4। अब इसको सॉर्ट आउट करके हम क्या करेंगे एस 51 का क्या करेंगे सम निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्या 9। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या दे रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म। क्या क्या दे रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दे रहा है आपका, क्या दे रहा है एस 7 आपका दे रहा है, क्या दे रहा है एस 7, क्या दे रहा है 7 टर्म्स का सम आपका क्या दे रहा है 49, तो ये तो मेरा 49 दे रहा है। उसके बाद क्या दे रहा है एंड दैट ऑफ द 17th टर्म, और 17th टर्म 17th टर्म इज क्या 17th टर्म क्या 289, मीन्स क्या 7th टर्म का सम आपका क्या दे रहा है 49 दे रहा है, और आपका क्या
सेवनटीन टर्म का सम क्या दे रहा है, 289 दे रहा है, और क्या दे रहा है, एस 17 दे रहा है, क्या दे रहा है, 289 दे रहा है, क्या दे रहा है, दोस्तों इसमें आपका गिवन क्या, एस 7 दे रहा है, क्या दे रहा है, 7th टर्म का सम 49 दे रहा है, और 17 टर्म का सम क्या दे रहा है मेरे पास दोस्तों, 289 दे रहा है। फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, मींस क्या, SN इक्वल टू निकालना। अब यहां से हम दोनों का यूज करने के बाद क्या करते हैं, SN का क्या करते हैं, यूज करते हैं, SN निकालते हैं। अब मेरे पास दोस्तों आप दोनों को क्या कर सकते हैं, या आपको शॉर्टकट क्या होने वाला कि अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसका फॉर्मूला मेरे पास दोस्तों क्या होने वाला, एन वाई टू, क्या एस एन इक्वल टू क्या, एन वाई टू मीन्स क्या, 7y2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स क्या, 7-1 इंटू डी इक्वल टू क्या, 49, क्या 49, 7 और 49 कैंसिल होगा क्या, 7-7 49, 7-6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो 2a प्लस ये क्या आ रहा है, 6d इक्वल टू क्या, 7 × 2 क्या आने वाला है, 14 आने वाला। अब यहाँ 2 कॉमन आ सकता है क्या, हाँ, a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, क्या आ रहा है, a प्लस 3d इक्वल टू 7। उसी तरह हम क्या करेंगे, a 17 को सॉर्ट आउट करेंगे, a 17 इक्वल टू क्या, 17y2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी इक्वल टू क्या, 289, 17 कितना होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 32 आएगा, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू क्या, 34 आ रहा है, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो a प्लस 8d इक्वल टू क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, क्या रहा है, 17 आ रहा है, तो क्या रहा है, 17 आ रहा है। अब माय डियर स्टूडेंट दोनों को इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या, a का वैल्यू डाटा में इसमें पुट कर लेते हैं क्या, या फिर दोनों को माइनस कर लेते हैं, 2-1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2-1, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 दे रहा, a प्लस 3d इक्वल टू 7 दे रहा, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, a से कैंसिल, तो 5d इक्वल टू 10 आ रहा है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो गया, तो d इक्वल टू मेरा 2 हो गया, तो यहां से a निकाल सकते हैं क्या, तो a इक्वल टू क्या होगा, 7-3 × 2, 7-6 इक्वल टू क्या, a इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा, तो a इक्वल टू 1 आ रहा है, d इक्वल टू 2 हो रहा है। अब sn पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, sn, तो sn इक्वल टू क्या होता है, ny2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब क्या करते हैं, n का वैल्यू तो n ही रहने वाला, उसके बाद a का वैल्यू क्या रहा है मेरे स्टूडेंट्स, 1 आ रहा, क्या रहा है, 1 आ रहा, तो a का वैल्यू तो 1 पुट कर लेते हैं, उसके बाद क्या रहा है, d का वैल्यू क्या रहा है, 2 आ रहा है, तो प्लस n-1 इंटू 2। अब 2 कॉमन आ सकता है क्या, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा क्या, n इंटू 1 प्लस n माइनस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 से 1 भी मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो n मल्टीपल n, तो क्या रहा है, n स्क्वायर, तो sn इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, तो n स्क्वायर मींस क्या, s 7 का सम करते तो 7 का सम क्या, n का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 49, s 17 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 17 का स्क्वायर, ये भी तो 17 का स्क्वायर देख रहे हैं क्या, अगर इसको भी लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 14 क्या 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, मीन्स क्या 7 दे रहा है तो 7 का स्क्वायर, 17 दे रहा है तो 17 का स्क्वायर, तो n दे रहा है तो क्या आएगा मेरे पास दोस्तों, n का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, n का स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वेश्चन नंबर 10, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या दे रहा है, 10 में दे रहा है सो दैट a1 a2 एंड डॉट an फॉर्म एन ap, आपको दिखाना है क्या a1 a2 a3 डॉट an जो किसमें है ap में एंड वेर n इज द क्या डिफाइंड बिलो, n आपका दे रहा है, n क्या दे रहा है, फर्स्ट का जो क्वेश्चन का बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं रेस्टोरेंट n इक्वल टू दे रहा है क्या, 3+4n दे रहा है, क्या दे रहा है, 3+4n दे रहा है, तो आपको दिखाना है क्या जो टर्म्स दे रहा है एपी में, किसमें है एपी में, और भी अगर जो एपी में है तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, उसके बाद क्या करना है, इसको 15 टर्म का क्या करना है, सम निकालना है, क्या करना है, 15th टर्म का सम निकालना है। तो हमारे स्टूडेंट सबसे पहले इसको एपी में दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस को सेम करना होगा, क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस को सेम करना होगा, तो मींस क्या, इसका फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं क्या, a1 लिख सकते हैं, तो n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्या करेंगे, 1, तो 3+4 × 1 तो क्या आएगा, 3, 4+7 तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, a2 निकाल सकते हैं क्या, 3+4 × 2 n इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, मींस क्या, 3+4 = 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 8, और 8 और 3 क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, उसके बाद a3 निकाल सकते हैं क्या, 3+4 × 3 n इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, तो आएगा क्या मेरे पास, तो 4 3 या 12, 12 और 3 क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, क्या आ रहा है,
15 आ रहा है, उसी तरह ए फोर निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। 3 प्लस 4 मल्टीपल 4 तो क्या आ रहा है? 3 प्लस 16, 3 कितना आ रहा है? 16 और 3 16 और 16 और 3 कितना होगा? 16 और 3 कितना होगा? 19 होगा। क्या होगा? 19 होगा, एन इक्वल टू 4। अब इसका बात करते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी में होगा, अदरवाइज क्या होगा? एपी में नहीं होगा। अब कॉमन डिफरेंस सेम तो ए टू माइनस ए वन करते थे, ए टू माइनस ए वन तो क्या आ रहा है? 11 माइनस ए वन क्या आ रहा है? मेरे रेशियो 4 आ रहा है। उसके बाद क्या है? ए थ्री माइनस ए टू करते थे, ए थ्री क्या दे रहा है? 15 माइनस 11, ये भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ए फोर माइनस क्या करते हैं? ए फोर माइनस क्या करते हैं मेरे पास दोस्तों? ए थ्री करते हैं तो क्या 19 माइनस 15 4 आ रहा है क्या? जब आ रहा है तो लिख सकते हैं इट इज एन ए पी प्रूव यहाँ पे कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इधर ए पी में होगा। इसी तरह आपको एस 15 निकालना है। क्या निकालना? एस 15। तो एस 15 को हम फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्या? एस 15 इज इक्वल टू क्या? एन वाई टू इंटू ए प्लस एन क्या? ए प्लस एन मीन्स क्या? एन का वैल्यू क्या? ए 15 क्या? मैं पहले तो ए 15 क्या करेंगे? ए 15 तो 15 वाई टू इंटू ए, ए का वैल्यू मेरा क्या है मेरे पास होता है? ए का वैल्यू 1, तो 1 तो 7 ही आ रहा है प्लस ए 15, तो यहाँ पे आप 15 रखेंगे, क्या करेंगे? ए 15 निकाल लेते हैं। ए 15 क्या? 3 प्लस 4 मल्टीपल 15, एन इज इक्वल टू क्या होगा? 15 होगा। क्या होगा? एन इज इक्वल टू 15, तो 15 मल्टीपल 4 16, 16 प्लस क्या? 3 63 आ रहा है। क्या रहा? 63। तो एन 15 ए 50 क्या रहा? 63। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 63 कर लेते हैं। एस 15 में निकल गया क्या? हाँ एस 15 भी मेरा क्या हो गया? निकल गया। इसी तरह हम क्या सेकंड इक्वेशन को भी कर सकते हैं प्रूफ क्या? हाँ इसी तरह सेकंड इक्वेशन को एकदम सेम क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने। तो मेरे डियर स्टूडेंट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 11 की ओर। किसके ओर? क्वेश्चन नंबर 11। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 की ओर 11 क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरे डियर स्टूडेंट कुछ हम यहाँ पर नोट करके लिख रहे हैं, उसको आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। उसको हम प्रूफ भी करते हैं किस तरह से मेरा फॉर्मूला आता है। अगर मेरे पास तो टीएन हमको निकालना रहेगा क्या? टीएन या फिर इसी को क्या बोलते हैं? एन। यहाँ पे नोट करके आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? लिखना होगा। तो अगर हमको टीएन निकालना रहेगा या फिर एन निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा? एन निकालना रहेगा। तो टीएन या फिर एन इक्वल टू मेरे डियर स्टूडेंट होता है क्या? एस एन माइनस वन होता है। क्या होता है? एस एन माइनस वन मीन्स क्या मेरे डियर स्टूडेंट? एस एन इंटू एस एन माइनस वन मीन्स अगर जो हमको टीएन निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा? टीएन निकालना रहेगा। तो अगर हमको एस एन के फंक्शन में दे रहा होगा तो एस एन टर्म्स का सम उससे एक कम टर्म का सम मीन्स क्या? अगर हमको क्या, अगर जो हम मान लेते हैं कि ए फाइव निकालना रहेगा तो मीन्स क्या? एस फाइव माइनस एस फोर करना होगा। क्या करना होगा? एस फाइव माइनस एस फोर मीन्स क्या? अगर जो एस फाइव निकालना रहेगा, मान लेते हैं कि ए 15 निकालना रहेगा तो क्या? तो एस 15 माइनस एस 14 करना होगा। क्या होगा? एस 15 माइनस क्या करना होगा? एस 14 करना होगा। या तो हमको मान लेते हैं कि ए 19 निकालना रहेगा तो क्या करना होगा? एस 19 माइनस क्या? ए 19 क्या? एस 18 इससे एक कम, 19 माइनस 1 18 करना होगा। मेरे स्टूडेंट यहाँ पे देख क्या रहे? अगर हमको जो अगर जो टीएन निकालना रहेगा तो टीएन या फिर एन इक्वल टू एस एन माइनस वन क्या? एस एन माइनस वन। अगर हमको 19 टर्म्स का ए 19 निकालना रहेगा तो ए 19 इक्वल टू क्या? एस 19 माइनस इससे कम क्या करना होगा? 18 करना होगा। अब इसको हम देखते हैं प्रूव करते हैं। क्या करते हैं मेरे स्टूडेंट? प्रूव करते हैं। अब देखते हैं प्रूव करने के बाद क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन से और क्या करेंगे? भरेंगे। तो मीन्स क्या? एस एन। अब माय डियर स्टूडेंट एस एन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन वाई टू क्या होता है? एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह इसका भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन माइनस वन का भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो माइनस एन माइनस वन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन माइनस तो माइनस वन और क्या? माइनस वन इंटू क्या? डी। अब माई जस्ट इसको सही से हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमको क्या आएगा? एन आएगा। मीन्स क्या? एन इक्वल टू मेरा क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स क्या? सोल्व करने के बाद हमको ही मिलने वाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिलने वाला। अब इसको सही से सोल्व करते हैं तो वन बाय टू कॉमन आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। तो वन बाय टू कॉमन लेते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं मेरे मल्टीप्लाई या फिर सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो एन बाय टू वन बाय टू को क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो वन बाय टू कॉमन लेगा तो मेरे पास तो यहाँ पे क्या बचेगा? एन बचेगा। क्या बचेगा? एन। और यहाँ पे क्या बच रहा है? टू ए प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एन इंटू डी प्लस माइनस माइनस डी क्या आएगा? माइनस डी आएगा। यहाँ पे तो माइनस दे ही रहा। अब क्या एन माइनस वन क्या? एन माइनस वन से हमको मल्टीप्लाई करना होगा किसको?
टू ए प्लस, इसको भी कर लेते हैं एन इंटू डी माइनस टू, तो माइनस टू डी क्या आएगा, क्या आएगा माइनस टू डी। तो अब यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्तों, अब इसको सही से हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं सोल्व करते हैं सही से एक एक को करके क्या करते हैं सोल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं मीन्स क्या वन बाय टू इंटू, अब क्या एन, एन से इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो एन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दो फैक्टर में करने के बाद कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं एन इंटू टू ए प्लस एन डी माइनस डी इंटू क्या, एन से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस एन मल्टीपल टू ए प्लस एन डी माइनस टू डी, क्या टू डी प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये तो मेरा सेमी रहने वाला, क्या रहने वाला सेमी रहने वाला, मीन्स क्या वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए ही आएगा, एन डी आएगा, माइनस क्या आएगा टू डी आएगा। अब इसको क्या करते हैं सही से सॉल्व आउट करते हैं, क्या करते हैं मेरे स्टूडेंट सही से इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो सही से सॉल्व आउट करने के बाद मेरा क्या होने वाला है, इसको करेंगे तो वन बाय टू इंटू, अब एन, एन और एन मेरा कॉमन आ सकता है दोनों में क्या, हाँ एन और एन कॉमन आ सकता है या फिर एन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, टू ए मल्टीपल एन, तो टू ए एन प्लस एन मल्टीपल एन, एन स्क्वायर इन टू डी माइनस एन डी प्लस माइनस माइनस टू ए एन प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस टू एन डी प्लस टू ए प्लस एन डी माइनस टू डी। अब यहां से कैंसिल कौन कर रहा है, टू ए एन टू एन कैंसिल हो रहा है, एन स्क्वायर डी मेरा क्या हो रहा है मेरे स्टूडेंट कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है टू ए टू एन डी, और एन डी और एन डी मेरा क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे फ्रेंड बच यहाँ पे क्या रहा वन बाई टू, और क्या अब यहाँ पे बच क्या रहा है मेरे फ्रेंड टू एन डी, टू ए क्या बच रहा है टू ए प्लस टू एन डी, क्या टू एन डी माइनस क्या टू डी। अब क्या आप सारा में हम टू कॉमन लेकर के कर सकते हैं क्या, तो टू कॉमन लेने के बाद क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे स्टूडेंट ए बच रहा है प्लस यहाँ पे डी कॉमन आ सकता है, तो एन माइनस वन इंटू क्या आ रहा है डी आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए प्रूव कर ले, मीन्स क्या एन निकालना रहेगा, तो एन निकालने के लिए मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं एस एन माइनस वन करते हैं, क्या करते हैं एस एन माइनस वन। आई थिंक आपको एक प्रूफ समझ में आ गया होगा, तो आप खुद से एक बार क्या करेंगे अपना कॉपी पे प्रूफ करने को कोशिश करेंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, क्या आपका क्वेश्चन दे रहा है, इसमें आपका क्या दे रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मीन्स क्या आपका एस एन दे रहा है, क्या दे रहा है एस एन क्या दे रहा है फोर एन माइनस एन स्क्वायर दे रहा है, क्या दे रहा है फोर एन माइनस एन स्क्वायर, तो बोल रहा है क्या व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माय स्टूडेंट क्या पूछ रहा है फर्स्ट टर्म मीन्स क्या आपका एन पूछ रहा है, क्या ए बोल रहा है, तो ए बोल रहा है मीन्स क्या माय स्टूडेंट यहाँ पे आप कुछ और बताना चाहते हैं, अगर मेरा सिक्स मान लेते हैं टू दे रहा फोर दे रहा सिक्स दे रहा एट दे रहा, अगर बोलेगा फर्स्ट टर्म एस ए क्या ए आपका टू दे रहा, फर्स्ट टर्म का सम क्या दे रहा है एस वन क्या दे रहा, तो एस वन ही तो मेरा माय स्टूडेंट क्या दे रहा है टू ही दे रहा, तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट टर्म होगा वही मेरा क्या होगा एस वन होगा, क्या होगा वही मेरा एस वन, मीन्स क्या फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं ए बोल सकते हैं, तो यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं एस वन इज इक्वल टू ए बोल सकते हैं, क्या तो एस वन इज इक्वल टू मेरा क्या होने वाला ए होने वाला, मीन्स क्या फर्स्ट टर्म से ही होने वाला, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होने वाला मीन्स क्या, अब अगर जो एस वन मीन्स यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म्स का सम बोल रहा है, तो फर्स्ट टर्म का सम मीन्स क्या ए इक्वल टू एस वन इक्वल टू एन इक्वल टू क्या पुट करने वाला है मेरे स्टूडेंट वन पुट करने वाला है, क्या पुट करने वाला है वन पुट करने वाला, तो अगर हम एन एन इक्वल टू क्या करते हैं वन पुट कर सकते हैं, एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या आएगा फोर मल्टीपल वन माइनस वन का स्क्वायर, तो फोर माइनस वन तो क्या आ रहा है मेरे स्टूडेंट थ्री आ रहा है, तो ये आपका क्या आ रहा है थ्री आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, टू टर्म्स का सम निकालना एस टू निकालना, क्या निकालना एस टू, टेन इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे टू पुट कर लेंगे, टेन इक्वल टू टू पुट कर सकता है क्या, तो फोर मल्टीपल टू माइनस टू का स्क्वायर, तो टू फोर मल्टीपल टू क्या आ रहा है एट माइनस फोर, तो एट माइनस फोर क्या आ रहा है मेरे स्टूडेंट फोर आ रहा है, तो सम ऑफ टू टर्म्स का सम मेरा क्या आ रहा है मेरे स्टूडेंट फोर आ रहा है, क्या रहा है फोर आ रहा, उसके बाद आपका ये भी हो गया उसके बाद ये भी हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, क्या बोल रहा है थर्ड टर्म मीन्स क्या आप थर्ड टर्म फाइंड आउट करना मीन्स क्या ए थ्री फाइंड आउट करना, तो ए थ्री फाइंड आउट करने के लिए मेरे स्टूडेंट क्या करना होगा ए थ्री, तो ए थ्री यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा
एस थ्री माइनस एस टू का नौ क्या करना होगा, एस थ्री माइनस एस टू। तो हमारे यहाँ सब करते हैं क्या, हमको पूछ क्या रहा, ए थ्री पूछ रहा, क्या बोल रहा, फाइंड द थर्ड टर्म मीन्स क्या, ए थ्री पूछ रहा। तो ए थ्री, तो ए थ्री निकालने के लिए क्या, यहाँ पे हमको थ्री करना होगा, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, थ्री करना होगा। तो एस थ्री माइनस क्या करना होगा, एस टू करना होगा। तो एस थ्री, तो एस थ्री मेरा क्या, यहाँ पे आने का वैल्यू क्या करेंगे, थ्री पुट करेंगे। तो फोर मल्टीपल थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस फोर मल्टीपल टू माइनस क्या, टू का स्क्वायर। इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्या, तो फोर मल्टीपल थ्री क्या होगा, ट्वेल्व माइनस नाइन प्लस माइनस माइनस एट प्लस माइनस माइनस क्या, प्लस फोर। इसको सोल्व करने के बाद क्या है, ए थ्री निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे स्टूडेंट, उसके बाद बोल रहा है टेंथ टर्म, क्या बोल रहा है, टेंथ टर्म मीन्स क्या, ए टेन निकालना होगा। तो इसी तरह क्या, ए टेन, तो एस टेन माइनस एस नाइन करना होगा, क्या करना होगा, एस टेन माइनस क्या करना होगा, एस नाइन करना होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंथ टर्म निकालना होगा। तो एंथ टर्म यहाँ पे निकालते तो क्या आता है मेरे फ्रेंड, एंथ टर्म अगर जो निकालते हैं मीन्स क्या, एन, तो एन इक्वल टू क्या, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो एस एन, एस एन इक्वल टू क्या दे रहे हैं मेरे फ्रेंड, फोर एन माइनस एन का स्क्वायर दे रहा है, क्या दे रहा है, फोर एन माइनस एन का स्क्वायर दे रहा है माइनस, तो माइनस ऑफ एन माइनस वन। तो मीन्स क्या, फोर इंटू एन माइनस वन और क्या, माइनस एन माइनस वन का क्या स्क्वायर, क्या एन माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, सही से सोल्व करते हैं। तो सही से सोल्व करने के बाद क्या होगा, फोर एन होगा माइनस एन स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या फोर एन होगा प्लस माइनस माइनस फोर होगा। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस टू ए बी का प्लस टू ए बी। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो क्या आ रहा है, फोर एन माइनस एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर एन प्लस प्लस माइनस माइनस क्या प्लस, तो प्लस फोर प्लस माइनस माइनस क्या प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन प्लस माइनस माइनस टू एन। अब इसको सही से सॉल्व करते हैं तो फोर एन से फोर एन आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो माइनस बच क्या रहा है, फोर, फोर माइनस वन क्या होगा थ्री, और यहाँ पे माइनस टू, तो थ्री माइनस टू एन आ रहा है, क्या आ रहा है, थ्री माइनस टू एन। अब यहाँ पे बोल देगा क्या कि हमको टी एन, एन क्या हो गया, एन, एन मेरा क्या रहा है मेरे फ्रेंड, थ्री माइनस टू एन आ रहा है, क्या आ रहा है, थ्री माइनस टू एन। अब यहाँ पे बोलता क्या कि हमको क्या सेकंड टर्म निकालना, क्या निकालना, सेकंड टर्म निकालना। तो मैं देख रहा, अगर जो सेकंड टर्म निकालना रहेगा तो अगर जो यहाँ से थर्ड टर्म पूछता है तो थर्ड एन इक्वल टू क्या, थ्री पुट कर लेंगे। तो थ्री मल्टीपल थ्री सिक्स माइनस थ्री, तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं क्या, अब यहाँ पर निकाल सकते हैं थर्ड टर्म क्या होने वाला है या फिर सेकंड टर्म क्या होगा। तो सेकंड टर्म क्या है टू, तो थ्री माइनस टू मल्टीपल वन, तो थ्री मल्टीपल वन फोर, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू क्या होगा वन होगा। तो सेकंड टर्म मेरा क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा। उसके बाद अगर जो बोलता है थर्ड टर्म क्या होगा, तो थर्ड टर्म माइनस स्टूडेंट क्या होगा, थ्री माइनस टू माइनस थ्री, तो सिक्स, सिक्स माइनस थ्री क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा। उसी तरह हमको बोलेगा फोर्थ टर्म क्या होगा, उसके बाद क्या थर्ड टर्म क्या होगा, टेंथ टर्म क्या होगा, उसी तरह हम क्या कर लें, एंथ टर्म निकाल लें। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक सही से समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो को, इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका क्वेश्चन बच रहा होगा, रिमेनिंग क्वेश्चन, उसको हम क्या करेंगे, लेकर के आने वाला है। अगर जो हम इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन बताते हैं तो आपका वीडियो क्या होने वाला है, लॉन्ग होने वाला। तो आप लोग क्या करेंगे, जहां तक हम बता रहे हैं आप लोग अपना फेयर कॉपी में एक एक क्वेश्चन को लिख करके क्या करेंगे, बनाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।